नमस्कारम सतगुरु। योग पुरुषों और स्त्रियों के लिए कैसे अलग है? स्त्री होने के नाते हम अपने पीरियड्स यानी मासिक धर्म में साधना को अच्छे से करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप पारंपरिक योग सिस्टम को देखें तो ये मूल रूप से पुरुष के शरीर के लिए बनाया गया है। उन्होंने स्त्री के शरीर के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उन दिनों स्त्रियां कभी साधना करने नहीं आती थीं। उनका आना संभव नहीं था कई कारणों से, शारीरिक कारण, सामाजिक कारण, बाकी की चीज़ों की तरह, क्योंकि तब योग स्टूडियो में नहीं सिखाया जाता था। ये कोई गुरु कहीं किसी गुफा में, किसी पहाड़ पे या जंगल में सिखाता था। उन दिनों एक स्त्री वहाँ नहीं जा सकती थी, तो ज़्यादातर 90% योग प्रक्रियाएँ पुरुष के शरीर के हिसाब से बनाई गई थी, ना कि स्त्री के शरीर के हिसाब से। So many systems of yoga which are being recklessly taught today. तो कई तरह के योग जो आज लापरवाही से सिखाए जा रहे हैं स्त्री के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर ठीक से सिखाया ना जाए तो। जो आसन आप सीख रहे हैं उनमें से एक मयूर आसन है। क्या आपको बताया गया है कि मयूर आसन ना करें? हाँ, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। ये एक मोर आसन है, मोरनी आसन नहीं। तो इस तरह से कई पहलू हैं, उनमें से कुछ बहुत ही भौतिक पहलू हैं, कुछ ज़्यादा सूक्ष्म हैं, पर ऐसे पहलू मौजूद हैं। कुछ चीज़ें हैं जो एक महिला को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो उसे किसी विशेष समय पर नहीं करनी चाहिए। तो स्त्रियों को क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आमतौर पर ईशा योग में हमने उन चीज़ों की बात भी नहीं की है, बस मयूर आसन और कुछ दूसरी चीज़ों के अलावा जिनके बारे में आप नहीं जानते। ब्रह्मचारियों को हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं जो दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं है। तो किसी विशेष समय के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये हर स्त्री के मुताबिक बदलता है। ये अलग अलग हो सकता है। हर स्त्री उन कुछ दिनों में एक ही तरह की परेशानी से नहीं गुजरती। कुछ स्त्रियों के लिए उनका पूरा जीवन उलट फुलट हो जाता है। कुछ स्त्रियां इससे ऐसे गुजरती हैं कि उनके मानसिक या शारीरिक सिस्टम में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसलिए कोई व्यक्ति कैसा है इसके आधार पर हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। पर अगर हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो बहुत बलपूर्वक है, अगर हम कोई ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसकी प्रकृति बलपूर्वक है, तो उन दिनों वो अभ्यास ना करना ही अच्छा है। क्योंकि कोई भी जोर लगाने वाली गतिविधि शरीर और मन में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है, क्योंकि उस समय स्वाभाविक रूप से शरीर एक तरह का आराम और एक तरह की शांति की तलाश करता है, ना कि कोई उत्तेजित गतिविधि। कुछ दूसरे पहलू हैं जो आसन से ज़्यादा क्रिया जैसे हैं। अगर आप आसन बहुत आराम से करना सीख गए हैं तो सब कुछ करना ठीक है। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो कुछ चीज़ें ना करना ही बेहतर है। पर अगर आप आसन ठीक से करते हैं तो आपकी पीरियड्स की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपकी साधना ठीक है तो कम से कम दर्द, ऐठन और ऐसी चीज़ें पूरी तरह से गायब हो जानी चाहिए। अगर साधना के बाद ये चीज़ें बढ़ गई हैं तो 3 महीने इंतज़ार करें। 3 महीने बाद भी अगर ये कम ना हो तो हमें ये फिर से देखना होगा कि आप साधना कैसे कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं शायद वो ठीक हो, पर आप उसे कैसे कर रहे हैं हमें इस पर ध्यान देना होगा। क्रिया के मामले में काफ़ी नियम होते हैं, आसनों के मामले में ज़्यादा नियम नहीं होते। कुछ ऐसे अभ्यास हो सकते हैं जो शरीर के आसन भी हैं और क्रिया भी, उनके बारे में आपको वाकई सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे हम सूर्य क्रिया कर रहे हैं, सूर्य क्रिया पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर सूर्य की बहुत ऊर्जा होगी तो ये एक स्तर पर बहुत अच्छा है, पर अगर ये आपकी स्त्री प्रकृति को परेशान कर रहा है तो हमें इसे फिर से एडजस्ट करना होगा। हमें इसे थोड़ा सा बदलना होगा आपके लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये व्यक्तिगत हो, ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है।
पर आमतौर पर ईशा योग के रूप में सिखाए जाने वाले सभी अभ्यास किए जा सकते हैं। वे सभी ठीक हैं, कपालभाति के अलावा बाकी सब ठीक हैं, आप इन्हें कर सकते हैं।